हेलो और नमस्कार जी, आपका स्वागत है फोटोशॉप इन हिंदी के सेकंड एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों, और आज के ये ट्यूटोरियल की मुझको रिक्वेस्ट आई है मिस्टर विपिन गुप्ता अहमदाबाद। इन्होंने मुझे ईमेल में लिखा, मैं पूरी तरह से तो समझ नहीं पाया, लेकिन जहाँ तक मुझे लगा इन्होंने लिखा है कि इन्होंने कोई फंक्शन कवर किया है। ये फोटोग्राफर हैं वहाँ पर और काफ़ी अर्से से फोटोग्राफी कर रहे हैं। इन्होंने कुछ फंक्शंस कवर किए हैं जहाँ पे इन्होंने लॉन्ग शॉट्स लिए हैं बड़े, और उन लॉन्ग शॉट्स में कहीं कहीं डार्क एरियाज़ हैं। ये इन्होंने कहा कि मुझको वहाँ पे स्पॉटलाइट की तरह से कुछ इफेक्ट चाहिए, जैसे टॉर्च मारी जाती है, अगर मैं सही समझा हूँ तो। इनको ओवरऑल फोटो तो पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं डार्क स्पॉट्स हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए इनको स्पॉट लाइटिंग की तरह से कुछ इफेक्ट चाहिए, जो कि लेयर को अदरवाइज फोटोग्राफ के पिक्सल्स को नहीं छेड़ना चाहते, ये सिर्फ ऊपर से एनहेंस करके कुछ इफेक्ट देना चाहते हैं। तो विपिन जी, इसके काफ़ी सारे तरीके हैं, दो मैं आज आप बताता हूँ, और इनमें से दोनों में से शायद एक आपके काम आ जाए। तो चलिए देखते हैं जी। मैंने भी एक सिमिलर सी एक फोटो ढूंढ के निकाली है। तो ये फोटो है जी हमारा, ये फोटो है, ये भी एक पार्टी के सेटअप की फोटो है। देखिए कोई रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे या इस जगह पे डार्क स्पॉट्स हैं, और ये कैंडल भी अगर यहाँ देखें तो अभी कैंडल जली नहीं है, तो इसलिए ये भी डार्क स्पॉट्स हैं। इसके दो तीन तरीके हैं। अगर आपने यहाँ पे इस जगह को लाइटन अप करना है, जैसे कहीं से कोई डायरेक्शनल लाइट आ रही है, तो साहब उसके दो तरीके हैं। यहाँ से हम पहले लेंगे पॉलीगनल लैसो टूल, एंड फ्रॉम देयर हम उसको यहाँ लेके जहाँ जहाँ पे आपको स्पॉटलाइट का इफेक्ट चाहिए इसको बाहर ले जाइए यहाँ पर, और फिर यहाँ पे लाके जोड़ दीजिए। अब ये एक सिलेक्शन हो गई है, इसको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ एक नई लेयर बना दें। नई लेयर बना के ये सिलेक्शन में सिलेक्शन को रिफाइन करेंगे इसको, अदरवाइज हम एज इट इज़ अगर इस पर काम करें तो बड़ा हार्ड आ जाएगा। सो गो टू सब सेलेक्ट में, गो टू मॉडिफाई एंड फेदर पे। अब इसको 95 पिक्सल्स, 95 की जगह अगर हम इसको 75 भी कर दें तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। 75 कर, देखिए ये अब सॉफ्ट हो गया काफ़ी, अब एजेस राउंड हैं, तो ये एक सॉफ्ट इफेक्ट आ गया, क्योंकि वाइट हमारा फोरग्राउंड कलर है, तो हम इसको वाइट से भर देते हैं। द शॉर्टकट इज ऑल्ट एंड बैक स्पेस, ऑल्ट और बैक स्पेस आएंगे। तो अब हम कंट्रोल डी सिलेक्शन। अब ये ऐसे लगता है जैसे लाइट वहाँ से आई है, लेकिन ये लाइट बहुत स्ट्रांग है, तो आर्टिफिशियल लगती है। वन एक तरीका है जी के ओपेसिटी कम करके देखिए, ऐसे लगता है धुंधली सी लाइट है। फिर एक तरीका है फिल कम करके देखिए, फिल से भी धुंधली लगती है। तो दूसरा तरीका ये है, हाईलाइट कीजिए और इसको मोड जो है ओवरले कर दीजिए। अब थोड़ा सा ये ब्राइटन हो गया है, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। और अगर इसको और ब्राइटन करना है तो इसका एक और कॉपी बना दीजिए, कंट्रोल जे, तो ये देखिए ये ब्राइटन हो जाता है। एक तो था ये तरीका, मुझे नहीं पता कि ये आपको चाहिए कि नहीं। चलिए इसको निकाल के बाहर फेंकते हैं और एक दूसरा तरीका ढूंढते हैं। फिर से एक नई लेयर बनाइए इसके ऊपर, और अब की बार ब्रश टूल लीजिए, जहाँ पे आपको ब्रश चाहिए। जैसे अगर हमको सपोज़ कीजिए इतना सा एरिया चमकाना है, तो ब्रश साइज़ हमको इतना लेना पड़ेगा, कम से कम डबल साइज़। उसका मैं कारण बताता हूँ आपको, वो भी इसलिए क्योंकि हमने ब्रश लिया लेना है बिल्कुल सॉफ्ट एज का, हार्डनेस बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि वाइट हमारा फोरग्राउंड है। तो एक बार इसको यहाँ क्लिक कीजिए, वो देखिए सॉफ्ट लाइट आ गई। लाइट तो आ गई लेकिन बड़ी हार्श और आर्टिफिशियल लगती है। तो अब हम क्या करते हैं सब, इसका भी वही तरीका आसान से, ये बढ़िया है, लेकिन ओवरले कीजिए। अब देखिए क्या होता है, ये ओवरले जो आपके पास आ गया, ये एक तरह से टॉर्च आ गया आपके पास, जहाँ लेके जाएंगे वही ये एरिया ब्राइटन करेगा, जहाँ भी ले जाएंगे। सो एक तो आप इसको यहाँ रखिए, ब्राइटन कीजिए, कंट्रोल जे डुप्लीकेट कीजिए, और ब्राइटन हो जाएगा, नहीं तो इसी को हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको रख देते हैं, ये देखिए ये ब्राइटन हो गया। एक बार फिर कंट्रोल जे करके कॉपी बनाइए एक, और ये कैंडल के ऊपर ले आइए। आप कैंडल को चाहें तो कंट्रोल टी करके हम शिफ्ट और ऑल्ट दोनों दबाएंगे, ताकि प्रोपोर्शंस में सारा तो से रिड्यूस हो जाएगा। हम चाहें तो इतना करके एंटर कीजिए, ये आपकी सिलेक्शन कैंडल के ऊपर हो गई। सो अब देखिए सब, अगर मैं इन सब को हम ये तीनों सेलेक्ट करके एंड देन आइल न्यू ग्रुप बनाते हैं, न्यू ग्रुप फ्रॉम लेयर्स बन गया जिस, ग्रुप वन कर देते हैं। यस, अब आप देखिए बंद करूँ तो काफ़ी डार्क है, लाइट हमने फ़ोटो की पिक्सल्स से बिल्कुल छेड़खानी नहीं की, और फोटो को किस तरीके से मैनिपुलेट नहीं किया, एक एक्स्ट्रा लेयर। तो आई थिंक ये विपिन जी, ये शायद आपको काम आ सके। तो ये था आज का ट्यूटोरियल आप आज के बारे में, जो स्पॉटलाइट फिक्सिंग को चाहिए था। और अगर आपको ऐसा कोई और ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कर सकते हैं। ईमेल मेरा इस ट्यूटोरियल के बाद मेरा ईमेल एड्रेस उसमें होगा। एक चीज़ और जाने से पहले बता दूं कि जैसे अगर आप यही जो स्पॉटलाइट है इसको किसी भी एग्जिस्टिंग लाइट के ऊपर लेके आएंगे तो वो और चमक जाएगी,
जैसे ये देखिए, मैं इस लैंप के ऊपर ले गया तो लैंप चमक गई है, इधर ये चमक गया, ये चमक गया। तो ये था आज की ट्यूटोरियल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे, बाय बाय।